Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start another topic of chapter, that's reproduction in animals, and the topic is reproduction by giving birth to young ones. पहले हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, बट इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू दियर यंग वंस बाय लेइंग एग्स. सारे एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो अंडे देते हैं फिर उनसे बच्चे निकलते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट गिव बर्थ टू दियर यंग वंस डायरेक्टली. दैट एनिमल्स आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. उन एनिमल्स को विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो जो होता है, अब जो एनिमल मतलब एनिमल का एम्ब्रियो होता है, दैट डेवलप्स इन टू एन यंग वन इन एन ऑर्गन कॉल्ड वॉम. मतलब मदर की बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उसको वॉम बोलते हैं. उसी में एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू एन यंग वन. वंस यंग वंस आर बॉर्न, मदर के बॉडी में जो ऑर्गन होता है दैट्स कॉल्ड वॉम, उसी में एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू एन यंग वन. ओके, जैसे ही यंग वन बॉर्न हो जाता है, जो मदर होती है दैट फीड्स हा विद देयर ओन मिल्क, अपने मिल्क से उनको फीड करती है. ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं दैट रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क एंड हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडी, उन एनिमल्स को मैमल्स बोलते हैं. जो एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं बाई गिविंग बर्थ, अपने बच्चों को फीड करते हैं विद देयर ओन मिल्क, एंड जिनकी बॉडी पे हेयर होता है उनको हम मैमल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर डॉग, cow, human beings. Okay, this was about the viviparous animals. Now is the care of young ones. All animals take care their young ones, isn't it? In fact, we human beings also take care of our young ones. सारे animals जो होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं. कैसे ख्याल रखते हैं? By protecting them from danger, keeping them warm, feeding them. अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से, आप उनको कीपिंग देम वार्म, उनको मतलब कभी सर्दी होती है दे कीप देम वार्म एंड सेफ फ्रॉम प्रीडेटर्स, एंड आल्सो फीड देम, उनको खिलाते भी है. ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हाउस पैरो जो होती है दैट लीज एग्स इन नेस्ट, है ना, वो पहले नेस्ट में अपने एग्स ले करती है, उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं दे बोथ सिट ऑन देम एंड कीप देम वार्म, फिर वो उन पे बैठते हैं मतलब बोथ फादर एंड मदर एंड कीप द एग्स वार्म. उसके बाद क्या होता है, जब टाइम आता है हैचिंग का, तो चिक को जो छोटा बच्चा होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, नेस्ट में ही. उसके बाद जो बोथ पेरेंट्स होते हैं मदर एज वेल एज फादर, उनके लिए फूड लाते हैं और उनको सेफ रखते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेंगे वुल्व्स की. वुल्व्स जो है दे लिव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनको पैक्स बोलते हैं. ऑल द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, वो मदर को हेल्प करते हैं इन टेकिंग केयर ऑफ पप्स, दैट मीन्स यंग वंस. ओके, जो मदर होती है दैट फीड्स द पप, वो उसको खिलाती है, उसको सेफ रखती है, लेकिन जो फादर होता है दैट हंट्स एंड गो सर्च फॉर फूड. उसके बाद है मंकीज. मंकीज ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स, इज इट, दे द मदर टेक बेबी अराउंड हर सेल्फ, वो अपने साथ अपने बेबी को रखती है और बाकी जो मेम्बर्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं इन टेकिंग केयर द फॉर बेबीज. दिस वॉज अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस. होप यू गॉट इट. फी अमानिल्लाह, टेक केयर.